Hello everyone, so welcome or welcome back to my channel. So I'm back with another haul video. ये एक फ्लिपकार्ट हॉल वीडियो है, प्लस इसमें दो लुक्स हैं, ज़्यादा नहीं है इस वीडियो में, बट वी हैव रियली ग्रेट थिंग्स. मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, प्लस आपको लुक्स भी क्रिएट करके दिखाऊंगी. दो लुक्स हम क्रिएट करेंगे एंड दीज थिंग्स जो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे फ्लिपकार्ट से हैं. सो यू कैन चेक आउट. थोड़ा सा इशू है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी. सो विदाउट एनी फर्दर अडूस लेट्स गेट इनटू द वीडियो. और आगे चलते चलते हम बाकी बातें करते रहेंगे और मैं आपको बताती रहूँगी क्या अच्छा और क्या बुरा आया अबाउट दिस प्रोडक्ट्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. So first we have this oversized purple color T-shirt. ये इसमें एक बढ़िया सा प्रिंट किया हुआ है. ये प्रिंट थोड़ा चीप है, शायद निकल जाएगा कुछ वॉशेस के बाद, बट ठीक है. टी शर्ट अच्छी आई है, कपड़ा भी बहुत सही है. इसको मैंने L साइज़ में मंगाया है, तो ये बहुत ज़्यादा ही ओवरसाइज्ड है. अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो समझ आ जाएगा. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टी शर्ट. नेक्स्ट वी हैव दिस प्लेन बेसिक, नॉट बेसिक प्लेन, बट हाँ ये वाइट टी शर्ट है. इसमें ऊपर स्माइल क्लब लिखा हुआ है एंड दैट्स इट. बाकी सारी ये लाइक प्लेन ही है. इसका भी मटेरियल बहुत अच्छा आया है और ये प्रिंट शायद ये भी निकल जाएगा, बट हाँ टी शर्ट मटेरियल बहुत सही है. गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी है एंड आई मस्ट से लाइक कॉलेज वियर, डेली कॉलेज के लिए या घर में पहनने के हिसाब से भी बहुत अच्छी टी शर्ट है. कपड़ा अच्छा है, गर्मियों में बिल्कुल चिकेगा नहीं, लाइक वो जलता है वो नहीं होगा इसमें, और अच्छी दिखने वाली है. ओवरसाइज पैंट्स या स्किन टाइट पैंट्स जीन्स के साथ अच्छा लुक आएगा इसका. सो दिस इज़ आवर सेकेंड टी शर्ट. सो फॉर द नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लैक डेनिम पैंट. लाइक जीन्स है ये ब्लैक डेनिम का. इसके पॉकेट्स लाइक हाँ प्रॉपर डीप हैं, जितने होने चाहिए उतने हैं. और ये लाइक एक लो वेस्ट पैंट है, बट स्टिल मुझे इसकी लेंथ थोड़ी सी कम लग रही है. लाइक जितना उसमें दिखाया था इसकी लेंथ उतनी नहीं है, बट या इट्स अ गुड वन. कपड़ा सही है इसका और लाइक स्टिच भी अच्छा है, कहीं से धागे निकल नहीं रहे हैं एक्सेप्ट दिस वन, यहाँ से निकल रहा है. बाकी इसमें सब कुछ परफेक्ट ही है, कुछ इधर उधर नहीं है. आई लाइक इट. I have this black leather pant. ये पैंट तो बहुत अच्छा आया है, बट इसमें सिर्फ एक इशू है. सबसे पहले तो लाइक कमर में डालते ही इसका ये बटन अलग हो गया. दिस ये वाला पार्ट इस तरफ होना चाहिए था, जो कि यहाँ से अलग हो गया है, टूट गया है, तो मुझे इसको ठीक करवाना पड़ेगा. एंड सेकेंड थिंग जो कि लाइक बहुत डिस्कस्टिंग है, यू कैन से, इसका ब्लैक डेनिम का और इसका दोनों का साइज़ मैंने सेम मंगाया था, बट स्टिल कमर में ये मुझे लूज़ है. लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा लूज़ है मुझे ये कमर में. ये ठीक है, लाइक बहुत लूज़ नहीं है, एकदम फिटेड नहीं है. आई फील ये ठीक है, बट फॉर दिस ये लाइक बहुत ज़्यादा लूज़ है कमर में, मुझे इसे ठीक कराना पड़ेगा. एंड सेकेंड मोस्ट लाइक वो थिंग कि जो मुझे नहीं पसंद आई वो ये कि जो लेंथ मुझे इसकी चाहिए थी, लाइक जितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए थी, जितनी दिखाई थी उतनी इसकी लेंथ नहीं है. ये एक्स्ट्रा लंबा है, जितना दिखाया था उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबा है, और ये जितना लंबा दिखाया था उससे छोटा है. लाइक जितनी लेंथ इसकी है अगर वो उतनी इसकी होती तो ये परफेक्ट होता, और जितनी लेंथ इसकी है उतनी इसकी होती तो ये परफेक्ट होता। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, जस्ट द थिंग इज कि इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा डिफर कर रही हैं और जैसे दिखाया था वैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है वैसे। तो अगर आपको साइज़ इशू नहीं है, लाइक लेंथ का इशू नहीं है, अगर आपको कि जैसा दिखाया है वैसे लेंथ मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लगी, बट अगर आपको ठीक लगता है मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, अगर आपको लेंथ सही लगती है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, कोई वैसा इशू नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथ का इशू जा रहा है मुझे। बाकी ओवरऑल लाइक बहुत सही लुक है दोनों का। टी शर्ट्स दोनों परफेक्ट हैं, टी शर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही हैं दोनों टी शर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इशू बस दोनों पैंट्स के साथ है कि उनका लेंथ अलग लाइक जैसा चाहिए था वैसा नहीं है, दोनों का ऑपोजिट लेंथ है, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है। कपड़े बहुत अच्छे आए हैं फ्लिपकार्ट से, यस कपड़े बहुत अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है, जस्ट द लेंथ थिंग कि उनका लेंथ जैसा दिखाया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और साइज़ दोनों का सेम है, उसके बावजूद भी एक ठीक है और दूसरा मेरे को लूज़ है, लाइक बहुत ज़्यादा लूज़ है, निकल रहा है वो कमर से, तो मेरे को वो फिट कराना पड़ेगा।